यहाँ आके बैठ गए। तबीयत खराब है ना आपकी, चले अंदर चले। ठीक है, दिल घबरा रहा था, यहाँ थोड़ी देर बैठे। इतना सोचेंगे तबीयत खराब हो जाएगी। और अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा यासिर, तुम इस वक्त यहाँ? बस अंकल, आज जल्दी ऑफिस से छुट्टी हो गई तो सोचा आप लोगों से मिल लूँ, इसीलिए आ गया। काफी दिनों से पार्टी भी तो नहीं हुई ना हमारी, इसीलिए। क्या हुआ, मेरा यूं आना बुरा लगा आप लोगों को? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। आंटी अंकल, आप दोनों बहुत उदास लग रहे हैं, सब खैरियत है? बस बेटा, अब कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास सिवाय उदासी के। इस तरह तो उदासी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तुम आए हो ना बेटा हमारी उदासी कम करने के लिए? नहीं, यकीन मानो हमें बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई तुम यहाँ आए। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा, एक तुम हो हमारे होने वाले दामाद जिससे हमारी इतनी फिक्र, और एक वो है जिसने मेरी बेटी के मरने के बाद ही शादी रचा ली। अम्मी प्लीज, उनका नाम मत लें। तो पहले से ही ऐसी थी, हमने पहचानने में बहुत देर कर दी। अच्छा, अब यूं ही बातें करते रहेंगे, भूख लग रही है, पिज्जा लेकर आए, खाइए ना प्लीज।